गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है, देखो टाइगर के साथ। टाइगर को मैंने खोल दिया, बिल्कुल नहीं रुक रहा। आ जाओ आ जाओ, कितना खुश हो जाता है जैसे मैं खोल देता हूँ उसको कभी कभी। खाना खिला रहे टाइगर को, डाल दिया जिसको निभा डालते खा ले, आराम से खा ले, में डालते और ना आराम से खा ले टाइगर। तो दूध तो भैंस ने थोड़ा कम दिया है, दूध इसको बाद में पिलाएंगे। और अभी मैं आया था मंदोला से, मैं और भाई तो भाई गया कहीं दूर, और अभी जस्ट मैं तैयार हो गई थोड़ी देर टाइगर के साथ खेल करके, और फिर जाऊंगा दुकान पे। न रहने दे, खा जाएगा। तो अभी मैं थोड़ी देर में टाइगर के साथ खेल के फिर नाऊंगा। और देखो टाइगर की रोटी खत्म हो गई, अब ये मेरे पास आ जाएगा। ये टाइगर, ये आ गया, सीधी डाग मारता है ये, देखो। बस बस हाथ ने ना खाना, अरे हाथ नहीं खाना, बस टाइगर ये देखो उल्टी गिर आग। ओके बस। तो गाइस मैं नहा धोकर के हो चुका हूँ तैयार दुकान पे जाने के लिए, लेकिन हमारा जो नया फार्म बनाया जा रहा है ना उसमें हम भर्त करवा रहे थे मिट्टी डलवा के, और जो ट्रैक्टर वाला था ना ट्रैक्टर धस गया बेचारा, फंस गया मतलब। तो दिखाता हूँ आपको, बड़ी मेहनत कर रहा है लेकिन ये क्योंकि कच्चा रास्ता मिट्टी थी, खेत था इसमें फंस चुका है, तो थोड़ा सा दिखाता हूँ। और वैसे मैं लेट भी हो चुका हूँ अब, तो देखो मेहनत कर रहे हैं, ट्रैक्टर निकल नहीं रहा, बेल वगैरह बांध करके कैसे क्या कर रहे हैं, ये सब पाल हंस रहा है। बेल बांध दी, निकल गो, अरे खोल सब खोलना पड़ा, बंद हो गए। वो प्लास की दे रहे हो है, प्लास तन्ने बेरो है ये खड़े होकर नया ने पतो प्लास संगो। तो ये बट किया जा रहा है, और ये बीच में पिलर बना दिए हैं। तो मैं आप लोगों को इतना ही दिखा पाया क्योंकि मुझे जाना है अभी, और मैं कुछ सामान लेने के लिए जाऊंगा आज, मुझे गाड़ी लेकर के जानी है, और भाई का आज जाना कैंसिल है, शायद कहीं नहीं जाएगा, जाएगा तो मेरे जाने के बाद, मेरे काम करने के बाद जाएगा फिर। तो चलते हैं अभी और जल्दी से पहुँचते हैं दुकान पर। मैं गाड़ी लेकर के चला गया था दुकान पे, लेकिन मुझे आना पड़ा वापस क्योंकि मैं जाऊंगा किसी और की गाड़ी में, उसको भी वहीं पे जाना है मुझे भी। तो दो दो गाड़ी क्यों तेल जलाए, मतलब क्यों ख़राब है जा करके। तो अभी मैं जस्ट घर वापस आया था गाड़ी छोड़ने के लिए और बाइक लेने के लिए। मैं अभी पुल पर खड़ा हूँ, यहाँ पर रुका था एक मिनट के लिए। तो अभी मैं जा रहा हूँ दोबारा से जल्दी, और अपना काम ख़त्म करते हैं फिर। तो अभी मैं आया था कुंड सामान लेने के लिए, और इस नई वाली गाड़ी में लेने के लिए आया था क्योंकि इस गाड़ी की नंबर प्लेट लगवानी थी। तो मैं अपनी गाड़ी को घर छोड़ के आ गया, भाई को जाना है गाड़ी लेकर के। अभी नंबर प्लेट लग रही है, मतलब लगवाएंगे बाहर, वैसे आ चुकी है, नंबर भी काफ़ी अच्छे आए हैं। तो अभी और थोड़ा यहाँ पे टाइम लगने वाला है। ये है कुंड, यहीं से गाड़ी खरीदी थी। कुंड का एक नया रोड बना आपको जैसे पता ही है, और अब बस थोड़ी देर में निकल जाएंगे हम। ये एजेंसी थे मारुति सुजुकी। सो भाई सामान वगैरह लेकर के तो मैं आ चुका हूँ दुकान पे, काफ़ी देर हो गई, अभी शाम के काफ़ी टाइम हो चुका है, पता नहीं क्या टाइम हुआ है। और ये देखो क्या हो गया यहाँ पे, आपको देख के क्या लग रहा है, ये जूस बनाया था हमने। अरे क्यों हो गो, 700 ग्राम पनीर थे जैसा, ये जूस बनाया था मतलब उसका गाजर का, और ये गिर गया तो ऐसा जैसे कि ब्लड हो, खून हो गया जैसे कि, अब साफ करना पड़ रहा है। ये दे पनीर कितनो, 700 ग्राम अभी दे। और आज मेरा भाई भी आया हुआ है, मेरे से पहले ही आ गया क्योंकि भाई आज कहीं काम नहीं गया था, मतलब एक अलग ही काम गया था। और देखो आज गाड़ी पे किसी ने क्या लिख दिया पीछे, दो पैर से मैं लिखा देख रहा हूँ। तो अब मैं जाकर वीडियो बनाने का टाइम आ गया, ये देखो क्या लिख रखा है, किसी ने एक कलाकारी कर दी और इस पर लिख दिया ये धोले भाई। शायद मेरे भाई ने पहली बार गाड़ी नहीं धोई होगी, और पता नहीं किसने लिख दिया पता ही नहीं चला।
वैसे खराब भी नहीं है, किसी ने मजाक कर दिया मेरे भाई के साथ। और देखो मेरे भाई खाना डलवा रहा, अभी खाना खाएगा, हमारी चक्की चल रही है इसलिए आवाज़ ज़्यादा हो रही है। आज हमारे बना है गाजर पाक, हमने बनवाया है किसी बार से। ये इतना बड़ा ड्रम है, देख सकते हैं, इसमें 40 किलो दूध, 15 किलो गाजर, 5 किलो चीनी, ऐसे कुछ करके इतना मटेरियल और बना है इतना सा। 1 किलो घी भी है इसके अंदर, इतना गाजर पाक बना है। अब खा के टेस्ट करते हैं, इसका वेट है 12 किलो 900 ग्राम। अभी खा कर करते हैं टेस्ट कैसा है। गाजर पाक बहुत बढ़िया है, टेस्टी है, बहुत अच्छा बना रखा है, लेकिन क्वांटिटी थोड़ी कम बनी इतना सामान डलवाने के बाद। मेरे भाई भी खा रहे हैं। हम सब ने खा के कर लिया मैं चेक। रात के ना 10 बज चुके हैं और अभी मैं अपने कमरे में सोने के लिए आया हूँ और इतना लेट हो गया मैं। हम बैठे थे, टीवी देख रहे थे, बातें कर रहे थे। आप लोगों से एक बात और शेयर करनी थी कि बहुत सारे कम लोग जैसे कि मेरी एज के अपने माँ बाप के गले कभी नहीं लगते, मतलब बहुत कम चांस है। ध्यान देकर देखो, ध्यान से सुनो, शायद कभी अपने माँ बाप के गले नहीं लगते। मैं आज अपने पापा के पास सोया, बड़ा अच्छा लगा। जब वो नहीं रहेंगे ना तो ये बातें याद आएंगी कि देखो मुझे अपने पापा या अपनी माँ से गले लगे हुए, उनसे मिले हुए, मतलब अच्छे से कितने दिन हो गए। मैं भी काफ़ी दिन बाद ऐसे मतलब पास होया तो काफ़ी अच्छा लगा। तो अगर उनके गले लग के देखो, काफ़ी उनको भी पसंद आएगा और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो बस यही कहना था मुझे, और इस ब्लॉग को मैं अभी एंड करूँगा और मैं कोशिश करूँगा इस ब्लॉग को ना अभी एडिट करूँ, क्योंकि दिन में ऐसा नहीं हो पाता, मैं काफ़ी बिजी हो जाता हूँ, तो थोड़ा टाइम लगेगा, एक आधे घंटे का। मैं इस ब्लॉग को अभी एंड करके सो जाऊँगा, नहीं सॉरी, अभी एडिट करके सो जाऊँगा मतलब, तो कल सुबह ताकि टाइम पर ये पब्लिश हो सके और आप लोग इसको देख सकें। तो कैसा लगा आप लोगों को आज का ये ब्लॉग, कॉमेंट करके ज़रूर बता देना। तो कैसा लगा आप लोगों को आज का ये ब्लॉग, कॉमेंट करके ज़रूर बता देना। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। बहकी सभी जुबां हैं, हम हैं हजारों में, अब की कमी